शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः श्री शिवाय नमः ओम नमः नमः त्रिपुटी शिवाय नमः विष्णुताय नमः ओम पशुपति नाथाय नमः रुद्राय नमः ओम प्रतिदिन नमः शिवाय नमः ओम विनोदांताय नमः मंत्र सुमटाय नमः ओम शमशान वासी नमः ओम लिंगाय नमः ओम लिंगाय नमः ओम कृष्ण दुर्जाय नमः ओम बेल प्रियाय नमः ओम ईशाय नमः ओम त्रिनेताय नमः ओम गौरी पदाय नमः ओम मृत्युंजय जो विनोद कुमार पासवान जी है हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनके लिए प्रार्थना भी करने आए हैं कि भगवान माता रानी उनको टिकट दे और आने वाले चुनाव चुनाव में उनको विजयी बनाए। यही हमारी प्रार्थना है ताकि वो हमारे क्षेत्र का विकास हो और विकास करें। इसी अरदास के साथ हम माता रानी के दरबार में आ जाए हैं। माता रानी अगर मेरी झोली भरती है तो जो मेरे शब्दों से उच्चारण से जो शब्द निकले मैं उसको पूरा कर पाऊँ। माता रानी मुझे शक्ति दे कि मैं उस कार्य को कर सकूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरे वचन निकले वो कभी निराशाजनक नहीं हो जी। मैं विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार, मैं गजानंद शर्मा आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं जनता जनार्दन में। दिल्ली विधानसभा के M2 संगम विहार में आज मिथिलांचल ग्रुप की तरफ से एक माता रानी का भव्य समारोह मनाया जा रहा है जिसमें हमारे क्षेत्र के डॉक्टर विनोद कुमार जी पासवान साहब पधारे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इच्छा रखते हैं, कैसे झोली भरने की आप उम्मीद करते हैं? मैं सबसे पहले तो हमारे मिथिलांचल दुर्गा पूजा समिति और हमारे रामू जी हैं, डॉक्टर मनोज पासवान जी हैं, जिनके द्वारा आज मुझे माता का आशीर्वाद लेने का मौका मिला और मैं माता का आशीर्वाद पाके धन्य हो गया। और माता इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखे, हम तो चाहते हैं बस वो अपनी शरण में रखे हमें। बस पासवान साहब, ये ब्लॉक एम ब्लॉक के हैं, जो भी लोग हैं यहाँ भक्तजन सब आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस माता रानी के दरबार? मैं अपनी माता बहने अपने पूर्वांचल भाइयों सबको संदेश दूंगा कि ऐसे कार्य धार्मिक कार्य होते रहे और इसको बढ़ावा देने के लिए जो सपोर्ट चाहिए मेरा तन मन धन मैं हर तरह से तैयार। बिल्कुल, मैंने अभी रामू जी से कहा है कि आप हर क्षेत्र में चाहे वो छठ पूजा हो चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे दशहरा हो कोई भी हो मैं उसके लिए तैयार हूँ और तन मन धन से तैयार हूँ क्योंकि मेरे को जो कुछ मिला इसी माता रानी की वजह से मिला है। आज जो कुछ मैं हूँ मैं इस माता रानी की वजह से। सर, आपके जैसे अभी हमने मंत्रोच्चार सुने थे, आप एक बहुत अच्छे संस्कार और आपकी संस्कृति से और आप एक हमारे जो धार्मिक आस्था से आपकी उबहू जिन बातों से हमें मिला। प्रधान साहब, आप डॉक्टर विनोद जी हमारे यहाँ बीच में आए, आप किस प्रकार की, हम जो ये पूरा का पूरा पांडाल सजा हुआ है माता रानी का और माता रानी ने थोड़े दिन पहले आपको आशीर्वाद दिया भी है प्रधानी के रूप में, आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे इन भक्त लोगों को? मैं तो ये कहूंगा कि ये हमारे जो पर्व है दुर्गा पूजा नवरात्रा, ये हमारे पूरा हिंदुस्तान में मनाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो दुर्गा पूजा की और शुभकामनाएं हो। और M2 ब्लॉक के जो प्रधान पद मुझे मिला है 1 महीना पहले, मैं इस M2 ब्लॉक और मिथिला दुर्गा पूजा समिति के तरफ से पासवान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे बीच आए और हमारे मिथिला दुर्गा पूजा समिति में मेंबर बने हैं। और पासवान जी से मैं ये उम्मीद करूंगा, मैं यहाँ का एक प्रधान हूँ, यहाँ का जो भी विकास हो और जो भी हमारे छठ पूजा और दुर्गा पूजा की जितनी भी सहयोग करना चाहे पासवान जी, उनके लिए मतलब हमेशा हम पीछे रहेंगे कि हमारे सहयोग करें और हमारे ये दुर्गा पूजा और ये छठ पूजा जहां हम खड़े हैं उस छठ पूजा के रक्षा करें और इनको मतलब कि पूजा स्थान का किसी तरीके से हम लोगों का आदेश प्राप्त करवाएं जी। पासवान साहब, अभी लगभग फरवरी में, अभी घोषित तो नहीं है लेकिन फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, माता रानी से ये अरदास नहीं लगाओगे कि आपका, हमें लग रहा है कि आप क्या उम्मीद करते हैं माता रानी से कि आने वाले चुनाव में विधानसभा में आपको एक प्रत्याशी के रूप में घोषित और विजय तिलक आपके नाम? मैं माता रानी से सिर्फ इतना सोचता हूँ कि जो मेरे दर पे आए वो खाली न जाए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ मेरी पब्लिक, मेरे भाई, मेरे बंधु जो आते हैं वो खाली ना जाए, बस मुझे इतनी शक्ति दे। सबसे पहले मैं तो
मिथिलांचल दुर्गा पूजा समिति के प्रधान रामू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आयोजन इन्होंने दुर्गा पूजा का जो किया है, बहुत हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र पूजा है माना जाता है, और इन्होंने जो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया है, इनको रूपरेखा आज इस बार देखा हूँ मैं, बहुत बढ़िया मुझे लगा और मैं बहुत खुश हूँ। और उसी से प्रेरित होके मैंने डॉक्टर विनोद कुमार पासवान जी को भी कहा कि जो है आप चलिए एक बार माता के दरबार में। और अब हमारे डॉक्टर विनोद कुमार पासवान जी, कहना चाहिए फरवरी में इलेक्शन है, भावी MLA है, बीजेपी के कैंडिडेट है। मैं इनको लेके इसलिए आया कि हमारे समाज के बीच में जो कोई कार्य है, कोई व्यवधान होता है, उसको बढ़ चढ़ के जो है आप मदद कीजिए, और प्रधान जी को थोड़ा सा जितना आपसे हो समाज के हित में काम किया जाए, बस ये मेरा जो है संकेत है। और सबसे पहले माता के दरबार में आया मैं तो नतमस्तक हूँ और आशीर्वाद लेने आया हूँ, बाकी और मैं क्या। माता रानी झोली जरूर भरेगी। सर आपका क्या नाम है? शंभू जी, आप हम एक बहुत बड़ी आस्था से जुड़े हुए हैं, आप किस प्रकार से देख रहे हैं हमारी संस्कृति? हम तो मिथिलांचल वासी है और मिथिलांचल वासी हमेशा इन चीज़ों का हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं कि कहीं भी हम लोग जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा शुरुआत होती है, बढ़िया से शुरुआत होती है। मिथिलांचल का मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि अपना ऐसा लगता है कि अपनी मिट्टी अपनी खुशबू है वहाँ का प्राप्त हो रही है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। सर आपका क्या नाम है? सर ये हमने देखा माता रानी के दरबार में, आप किस प्रकार की मतलब इच्छा है माता रानी से, क्या आपकी एक प्रकार की प्रार्थना? मैं तो चाहूंगा कि मेरे तो माता के दर्शन हो गए जी, दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हो गया, और जब यहाँ देखा इतना बड़ा पांडाल है, शायद मैंने अपने सुधे में इतना बड़ा पांडाल नहीं देखा, ठीक है जी, मैंने कभी नहीं देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भी आप लोगों में, मैं तो खैर उत्तर प्रदेश से हूँ लेकिन पूर्व आश्रम में मैं भी इनके साथ हूँ, इनके साथ किसी प्रकार से इनके साथ। हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री है और आज मैं भी पासवान जी के साथ दुर्गा माता का आशीर्वाद लेने आई हूँ, और ये माता से अरदास करती हूँ कि माता सबकी मनोकामना पूरी करे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी आप बताएं कि माता रानी का दरबार है और यहाँ सबकी झोली भरी जाती है, मान्यता मांगे तो पूरी करती है माता रानी, आप किस प्रकार की इच्छा लेकर के आए माँ के? देखो हम माता के दरबार में यही इच्छा लेकर आए हैं कि वो सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, और हमारे साथ जो विनोद कुमार पासवान जी है हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके लिए प्रार्थना भी करने आए कि भगवान माता रानी उनको टिकट दे और आने वाले चुनाव में उनको विजयी बनाए, यही हमारे प्रार्थना है ताकि वो हमारे क्षेत्र का विकास हो और विकास करें। इसी अरदास के साथ हम माता रानी के दरबार में आज आए हैं और हम आशा करते हैं कि माता रानी हमारी अरदास को पूरी करें और विनोद कुमार पासवान जी को भी इच्छा पूरी करें। सब हमारे सभी भक्त लोगों की इच्छा है कि माता रानी आपकी झोली भरे, प्रकार हमारी आस्था पे खड़े उतरने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर माता रानी अगर मेरी झोली भरती है तो जो मेरे शब्दों से उच्चारण से जो शब्द निकले मैं उसको पूरा कर पाऊं, माता रानी मुझे शक्ति दे कि मैं उस कार्य को कर सकूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरे वचन निकले वो कभी निराशाजनक नहीं हो, मैं विश्वास दिलाता हूं। तो ये थे डॉक्टर पासवान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद बनाए रखें, और फिर दूसरी न्यूज के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।